हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न पुलाव। कॉर्न पुलाव बनाने के लिए हमने ये बासमती चावल लिया है, जिसको कि हमने खड़े मसाले डाल के 90% बॉईल करके लिया है। ये हाफ हमने येलो बेल पेपर लिया है, एक मीडियम साइज प्याज हमने बारीक कट करके लिया है, ये हाफ हमने रेड बेल पेपर लिया है, ये छोटी साइज का एक शिमला मिर्च हमने लिया है ग्रीन, ये एक कप हमने कॉर्न बॉईल करके लिए हैं, ये पुलाव का मसाला है जो एक टेबलस्पून हमने लिया है, ये हरी धनिया पत्ती कट करके ली है, एक टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा। तो आइए कॉर्न पुलाव बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये हमने कढ़ाई गैस पर रखी है, जिसमें हमने ये 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून हमने बटर डाला है। तो ये थोड़ा सा मेल्ट होने पे हम इसमें ये शाही जीरा डालेंगे। ये शाही जीरा मैं आपको बताना भूल गई थी, ये हमें 1/2 टीस्पून इसमें डालना है और इसमें ये शाही जीरा डालते हैं। जीरा थोड़ा सा चटकने के बाद हम इसमें ये प्याज डालेंगे। अब इसमें हम ये प्याज डालेंगे। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाने पे हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अब हम इसमें ये बेल पेपर्स ऐड करेंगे। ये रेड बेल पेपर है। ये येलो बेल पेपर है। और ये ग्रीन। अब हम इसमें ये कॉर्न डालेंगे। कॉर्न हमने बॉईल करके लिए हैं। अब हम इसमें ये नमक डालेंगे। नमक सिर्फ सब्जी का डालना है, क्योंकि राइस में हमने नमक डाला है। ये देखिए फ्रेंड, सभी कलर के बेल पेपर से राइस को बहुत अच्छा कलर आता है, ये बहुत ही अच्छा दिखता है। अब हम इसमें ये राइस ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम हम कम कर देंगे और ये पुलाव का मसाला इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम ये धनिया पत्ती इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब
अभी एक मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। आइए फ्रेंड्स चेक करते हैं हमारा राइस पक गया है क्या। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा राइस बन चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कॉर्न राइस बनके तैयार हो चुका है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।